ये देखिए फ्रेंड्स, बंगाल की स्वादिष्ट मिठाई गोजा, इसे मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितना जूसी जूसी है, ये अच्छी तरीके से अंदर भिन चुका है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी डिलीशियस लगता है, मुझे तो ये गर्मा गर्म ही बहुत पसंद है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि फ्रेश। दोस्तों, मैं रुचि आपका अपनी किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बंगाली मिठाई गोजा रेसिपी। इसको मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताऊँगी। इसको बनाने के लिए मैंने यूज किया है ये 200 ग्राम मैदा, 250 ग्राम चीनी, नमक, छोटी इलायची, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा है, देसी घी तलने के लिए और मोयन देने के लिए। फ्रेंड्स, गोजा बनाने के लिए मैदे को छानकर इसका डो बना लेते हैं। हाथ साफ कर लेंगे, घी डालेंगे, एक चौथाई चम्मच नमक, बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं, एक चुटकी। अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मैदा मुट्ठी बनने लगे तो समझ लीजिए आपका मोयन सही है। अब इसे हल्के गुनगुने पानी से थोड़ा थोड़ा डालकर इसे ना तो ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा टाइट अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे। पैन में चाशनी तैयार कर लेते हैं। 250 ग्राम चीनी, 1 ग्लास पानी, 2 छोटी इलायची क्रश करके डाल देंगे, हमें इससे एक तार की चाशनी बनानी है। 10 मिनट बाद गाढ़ा हो चुका है, देखिए इसे उंगली पे लगाकर चेक कर लेंगे। ये देखिए हल्की हल्की तार बनने लगी, अब अपना फ्लेम बंद कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको गोजा बनाने की सीक्रेट बताते हैं। इससे हमारा गोजा बहुत ही परतदार और खस्ता बनेगा। एक बार अपने मैदे को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने ना इसे ज़्यादा गीला साना है ना ज़्यादा टाइट, ये मीडियम होना चाहिए। बिना मैदा लगाए इसे बेल लेंगे। अब इसे काट लेंगे और एक परत के ऊपर एक परत चढ़ाते हुए फिर से बेल लेंगे। लगभग 4 से 5 बार हम ये प्रोसेस करेंगे। ये देखिए ये कितने लेयर बन चुके हैं हमारे मैदे में। इससे अगर हम गोजा बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही परतदार बनेगा और इसके अंदर तक अच्छी तरीके से हमारा रस भिन जाएगा। अब इसे 5 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। 5 मिनट बाद आटा सेट हो चुका है, इसे हल्के हाथों से अच्छी तरीके से मसल लेते हैं। बड़ा सा डो लेंगे, इसे थोड़ा मोटा बेल लेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं, आधा इंच मोटा हमें इसे बेलना है। फ्रेंड्स, गोजा खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। हमने इसे कई परतों में बेल कर काटा हुआ था इसलिए इसमें कई लेयर आएंगे, ये देख पाएंगे आप। इस तरीके से बेलने के बाद हम इसको कट करेंगे, देख पा रहे हैं आधा इंच मोटा हमने इसे बेला हुआ है। अब इसे एक बराबर साइज का काट लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने गोजा को थोड़ा तीखा शेप देते हैं ताकि ये थोड़ा स्टाइलिश लगे। इसको हम बीच से इस तरीके से काटते हैं। इस आकार के हम अपने सभी गोजा को बना लेंगे। सिंपली इसे बीच से काटिए, थोड़ा लंबा करके इस
तरीके से। इस तरीके से हम अपनी सभी गोजा को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने सारे गोजे को इस डिजाइन का बना लिया है। ये देखिए इसमें कितने लेयर पड़े हुए हैं, इससे इसमें अंदर तक जूस भर जाता है। चलिए अब इसे तलने की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, बंगाली गोजा को हल्के गुनगुने घी में डालेंगे, धीमी आंच पर तल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गोजा कितनी अच्छी तरीके से खुल रहा है। इसकी पर्दे इस तरीके से, इसमें अच्छी तरीके से जूस भीनेगा। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बंगाल में ये बहुत ही फेमस है। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे छान लेते हैं और इसे हल्के गुनगुने सीरे में डाल देंगे। सीरा हल्का गुनगुना हो चुका है, इसे डाल देते हैं। 5 मिनट तक हम इसे इसी तरीके से डूबा रहने देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे आपको सर्विंग प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है, आप इसे एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी ये बंगाली डिश गोजा बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है, आप इसे एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिए। हमने ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया है, ब्लॉग की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हम हर सैटरडे और वेडनेसडे को आपके लिए नई रेसिपी लेकर आते हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सर्च कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में गजनी समोसे या स्वीट समोसे बनाने की विधि के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी व्यंजन को बनाने की विधि जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। Thank you. Bye.